हाय फ्रेंड्स, मैं गीता सुत्रा फिर आपके साथ हूँ अपने चैनल कुक विद गीता में। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दिवाली की शॉपिंग मैंने क्या की है, जो कि किचन से रिलेटेड है। सामान तो मैं बहुत लाई हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप लोग को ये दिखा दूँ मैं, जो कि किचन में बहुत काम आती है, सभी के घर में होती है। तो ये देखिए मैं लेके आई हूँ ये प्रेस्टीज का 4 बर्नर का गैस चूल्हा 87। तो चलिए देखिए, आजकल दिवाली में बहुत हर चीज में ऑफर चल रहा है। मैंने ये चूल्हा लिया, ये देखिए इसका प्राइस देखिए 8700 रुपए है। ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 8700 रुपए है, लेकिन ऑफर में ये सिर्फ 6000 का पड़ा है। चलिए मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ, अनबॉक्सिंग मैंने कहा आप लोग के सामने करूंगी इसकी। ये इससे खुला है क्योंकि मैं ये ऑनलाइन नहीं मंगाया, मैंने ये मैं शॉप से लेके आई, वहां मैंने खोल के देखा था, इसलिए खुला हुआ। ये देखिए इस तरह से इसके लिए कटिंग, इस तरह से मैंने वहां पूरा खोल के देखा था, दुकान पे पूरा खुलवा के देखा था। ये ऑनलाइन नहीं मंगाया, ये है कानपुर में, रोड की मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है। ये कितने अच्छे पैकिंग करते हैं लोग, ये तो मैंने यहाँ पे मार्केट से लिया है, इसलिए पूरा मैंने इसे खोल के देखा था। अगर मैं ऑनलाइन मांगी तो खोल के देने दे नहीं सकती थी, मैंने वहां पूरा खोल के देखा था कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई सब कुछ चीज तो नहीं है। और भारी मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी पैकिंग आती है इस तरह से। अच्छी पैकिंग करते बिल्कुल, मैंने खोल दिया, ये इसके स्विच लगा, ये देखिए मैंने पूरा खोल दिया, कितना अच्छा लग रहा है। इसका ये स्टैंड है और ये देखिए इसमें इस तरह से ये लगी हुई प्लेट, जिससे कि कुछ भी गिरे तो ये नीचे ना जाए, गंदा ना हो, ये निकल के ये साफ हो जाए। तो इस तरह लगा के दो बर्नर छोड़ते, और ये गैस देखिए गैस का पाइप का ये लगा हुआ है, ये देखिए 400 घूमता है, इधर इधर कहीं भी घुमा के जिधर भी आपको करना, ये उधर कहीं भी जिस तरफ भी करना, रखा है सिलेंडर जिसके या पाइपलाइन आ रही है तो उसमें आराम से इसमें लगा लीजिए। और इसमें 4 बर्नर दिए, 2 छोटे और 1 बड़ा, 1 उससे बड़ा। अब मैं कल से आपको इसी में अपनी कुकिंग करके दिखाऊंगी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा काफी दिन से मन था कि मैं ये गैस चूल्हा ले लूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से लूँ, इसी पे खाना इसी पे। चलिए कल से मैं अपनी इसी पे कुकिंग करूंगी, और इस पे कुछ बातों का हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो ग्लास टॉप है इस पे हम लोग गर्म बर्तन नहीं रखना, कोई भी गर्म बर्तन नहीं रखना है। अल्मोनियम का तो आप स्टील का रख भी सकते हैं, लेकिन लोहे का बर्तन बिल्कुल, जिस जैसे कब हमारे यहाँ है या हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई वढ़ाई है, कुछ भी नहीं, ये इसमें इंजेक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ के हम लोग कर सकते हैं। और एक जो हम लोग के यहाँ चलता है तंदूर वाला जो डिब्बा होता है, जो बर्तन होता है, वो इस पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उससे रखने से ये होता है कि हीट इसमें वापस आती है, तो ये ग्लास टॉप टूटने का डर रहता है, इसलिए उसको कुछ बातों का इस पे ध्यान रखना पड़ता है। वैसे स्टील वाला ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब आजकल यही अच्छा लगता है तो यही लेना जरूरी समझा जाता है, सभी लोग यही ले रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी ये ले लिया।